जगतसिंहपुर जिला तिर्तोल निर्वाचन मंडली रे उपनिर्वाचन को आखिआगर रखी सबु दल पक्षरु सजबाज आरंभ होइतबा बेले गतकाली सरकार तिर्तोल निर्वाचन मंडली रे तिर्तोल पोसल संखेश्वर महानदी सेतु निर्माण पाई 118.54 कोटी टंकार सेतु निर्माण पैकेज घोषणा करिछंती। घोषणा को नहीं आंदोलन मुंड टेकुछि। दीर्घ दिन धरी तिर्तोल ब्लॉक महानदी पाइका दीपांचल रे बसवास करुथिबा 9टी पंचायत रो लोके तर्जंगा पंचायत रो कोटकणा थारु कन्नीमूल पंचायत रो बानंबर पर्यंत महानदी रे सेतु निर्माण पई दाबी करि आसुथिले। कोटकणा बानंबर महानदी सेतु निर्माण होइतिले तिर्तोल ब्लॉक धोया अंचल रो कृष्णानंदपुर थारु गोपालपुर संखेश्वर पर्यंत 5टी पंचायत समेत जगतसिंहपुर जिला ओ केन्द्रापड़ा जिलार लक्षाधिक लोक सीधासळख उपकृत होइथांते। एथिपाई स्थानीय अंचल रे लोक माने दीर्घ दिन धरी आंदोलन करि आसुथिले। कोटकणा बानामोर महानदी सेतु निर्माण को अणदेखा करि सरकार तरबरिया भाबे निर्दिष्ट अंचल पई सेतु मेगा प्रकल्प घोषणा करा जिबा परे आंदोलन पई सजबाज चलीथिबा देखिबा को मिलिछि। बसंत कुमार सेठी सरपंच तर्जा ग्राम पंचायत। दीर्घ वर्ष धरी कोटकणा बानामोर सेतु पई आमे संग्राम करि आसिछु, गणधारणा देइछु, अनशन करिछु। आज आमे विचलित होइ पडुछु। सरकार सिटी हजार कले आमर किछु दुख नै, किंतु आम न्याय दाबी प्रति जो अवहेला होइछि अगणतांत्रिक निष्पत्ति की आमे विरोध करिबु। आज देखंतु एपटरे शक्तिपीठ माँ सारला, विभूति क्षेत्र गोरेखनाथ, सेपटरे तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा, ये पोल जदि होइथांता खूब निकटरे आम संग्राम स्वाभिमान गोटे मर्यादा रहिथांता। तेणु आम समस्ते ये अंचलवासी मिसिया को विरोध करिबु। मोना प्रमोदिन सेठी, मुँ महिला मोर्चा जगतसिंहपुर सेतु कथा काली शुणी बहुत खुशी लगला। आम सरकार को वेलकम करुच्छू, किंतु आगुरी जोटा लोक मानकर थिला जे आमर बानामर मंदिर पाखर कोटकणा जाए जो सेतुटा करवाई से कहीं सरकार कहीं लक्ष्य न रखिले। यही लक्ष्यटा रखी आम ग्रामांचल जिते लोक मैंने पंचायत जिते लोक मैंने से खुशी होती यहाँ को आम स्वागत करूँ। आमरी कथाटा एवं कटकणु आम बानापुर जाए जो रास्ता ब्रिजटा करने सरकार को निवेदन करदि न करेंगे आंदोलन को। मुँ वेदद्युति पृष्टि, सरपंच कन्नीमूल ग्राम पंचायत तथा आवाहक कटकणा बानंबर सेतु कमिटी। गोटे पटे तारापुर और अंपटे तार्तोल दीटा सेतुर मध्यवर्ती अंचल हूँ कटकणा। तेणु जदि ये सेतु हुए तेल निश्चित भाव में यह अंचल लोक मान गमनागमन क्षेत्र में द्रुत विकास घटव। एक खाली दुई तीनो कि पांचटी पंचायत नुहे, यही कटक पारदीप रास्ता कटे पांच रु सात पंचायत लोकंर जीवन जीविकार बहुत साहय कर। किंतु सरकार आज भी निष्पत्ति नहीं गोटे अगणतांत्रिक और दीर्घ दिन धरी जो आम दाबी उपस्थापन करूँ आमरण अनशन होता है, गरधारण होता परवर्त समय प्रधानमंत्री कार्यालय को चिठी करूँ और तार प्रतिक्रिय राज्य सरकार ठोस पदक्षेप ने आम अनुभव करूँ। किंतु आज जो भाव में एकपाखिया निष्पत्ति जिला प्रशासन सर्वोच्च कर्ता जिलापाल नहीं निज अंचल को निज गाँ को संजोग करने सेतुर किपर भाव में प्रेसर करई जो गुटा पूरा अगणतांत्रिक हास्यास्पद और लज्जाजनक निश्चित भाव में आपको मुँह तोड़ जवाब दिजिव। प्रशासन स्तर में या आंदोलन जोरदार करमें कौन अंचल कौन सी जगार जहाँ डिक्लेयर होमें कौन जगार विरोध में नुह किंतु निज अंचल भितर जो विद्वेष भाव सृष्टि कराई निश्चित भाव में मुँह तोड़ जवाब दिजिव। आसंता काली आपको नहीं गोटे प्रेस कन्फरेन्स यही कटकणा कालीपड़े हम आ मोर आशा और विश्वास सरकार को आसंता काली जो चेतावनी दिया दिहब सरकार आपको चेतवे और निश्चित भाव में ये जो अभिचार ताको विचार करेंगे। आज तर्जंगा पंचायत रे बीजेपी विधायक प्रार्थी प्रोफेसर रमाकांत भोई कोटकणा बानामोर सेतु कमिटर आवाहक कन्नीमूल पंचायत सरपंच तथा युव कंग्रेस सभापति वेदद्वितीय पृष्टि तर्जंगा पंचायत सरपंच बसंत कुमार सेठी बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री प्रमोदिनी सेठी प्रमुख नेतृत्व में एक बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। बैठक में बहुदिन धरी दाबी हो आसुवा कोटकणा बानामोर सेतु को मंजूरी नदे व्यक्तिगत स्वार्थ और उपनिर्वाचन फायदापी सेतु घोषणा को घोर विरोध कर आसंता काली आंदोलन आरंभ हो बीजेपी नेता रमाकांत भोई चेतावनी देखते। मो प्रोफेसर रमाकांत भोई बीजेपी विधायक प्रार्थी तिर्तोल निर्वाचन मंडल कोटकणारु आपणकर कन्नीमूल बानामोर पर्यंत जो सेतु हवा कथा एक कथा विगत पांच वर्ष हला आमर दाबी रही आसीथिला। किंतु सबुठ दुखर कथा आमर दाबीटा को अणदेखा करा जाइकिरि सिटी पोसल रे जो ब्रिज करबा कथा जो काली मुख्यमंत्री घोषणा कले सेतिपई जन असंतोष वृद्धि पाइछि। आमर गोटिए दाबी होउछि आमे जो कथाटा पांच वर्ष काल करि आसीछु जोटा इठी
ସେପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଫାକରେ ତର୍ଜଙ୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଫାକରେ ଯେତେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରିଜ୍ କଥା ଆଜି କାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି, ଯଦି ଏ କଥା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇକି ଏ କଥା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା, ତେଣୁ ଆମର ବି ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କୋଟକଣାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାନାମର ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଏ କଥା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସାରା ଏ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେବୁ, ଯଦି ଏ କଥା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ କରାଯାଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଏ NSକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।